अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू, दिस इज़ सर नसीम ज़ुल्फ़िकार एंड टुडे आई एम सॉल्विंग द पेपर ऑफ मेट्रोपोलिस इंटरमीडिएट कॉलेज फॉर गर्ल्स कराची एंड द सब्जेक्ट इज़ सेकेंड ईयर केमिस्ट्री। तो इस ईयर 2021 में जो एग्ज़ाम्स हुए हैं डिफरेंट कॉलेजेस के, उनके पेपर्स मैं सॉल्व कर रहा हूँ। तो अभी मेट्रोपोलिस इंटरमीडिएट कॉलेज फॉर गर्ल्स हैं, इनके एम सी क्यूज़ इनको सॉल्व करने जा रहा हूँ। तो फर्स्ट एम सी क्यूज़ है इसका, डैश ऑफ द एलिमेंट्स प्रोवाइड अ साउंड फंडामेंटल बेसिस टू द क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। तो क्या चीज़ एक फंडामेंटल बेसिस देता है एलिमेंट्स के क्लासिफिकेशन के लिए? तो ए है एटॉमिक नंबर, से हमें ये मिलता है। सेकेंड है इंडिकेट द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट पीरियड फिफ्थ। तो पीरियड फिफ्थ करस्पॉन्ड टू द फिलिंग ऑफ ओ शेल, के एल एम एन ओ, ठीक है। तो के एल एम एन ओ, यस, फिफ्थ पीरियड में वही शेल फिल होता है। सेकेंड है पीरियड फाइव स्टार्ट्स विद द फिलिंग अप ऑफ 5s ऑर्बिटल एंड फॉलोड बाय 4d एंड 4p ऑर्बिटल, ये भी सही है। थर्ड है पीरियड फाइव कंटेन 18 एलिमेंट्स एंड इज कॉल्ड लॉन्ग पीरियड, ये तीनों बातें सही हैं, तो डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। थर्ड है इंडिकेट करेक्ट आंसर्स अबाउट एस ब्लॉक एलिमेंट्स। एस ब्लॉक एलिमेंट्स के बारे में करेक्ट बात क्या है? ए है इन एस ब्लॉक एलिमेंट्स द लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर्स एन एस ऑर्बिटल विच इज़ बींग प्रोग्रेसिवली फिल्ड। एस ब्लॉक एलिमेंट में आखिरी इलेक्ट्रॉन एन एस ऑर्बिटल में एंटर होता है, जिसको एक एक करके फिल किया जाता है, ठीक है, बिल्कुल सही है, क्लियर है, ठीक बात है। बी है द वैलेंस शेल कॉन्फ़िगरेशन वेरीज फ्रॉम एन एस वन टू एन एस टू वेयर एन इज़ द पीरियड इन विच द एलिमेंट इज़ प्रेजेंट, ये बात भी ठीक है। तो बोथ है एंड बी, दोनों बातें जो है वो ठीक हैं एस ब्लॉक एलिमेंट्स के बारे में। फोर्थ इंडिकेट द करेक्ट स्टेटमेंट, करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है। पहला है रेडिएशन द रिएक्शंस ऑफ ऑर्डिनरी मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन आर स्लो, तो ये बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। सेकंड है नेसेंट हाइड्रोजन इज मोर रिएक्टिव देन ऑर्डिनरी मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन, ये भी ठीक है। एंड हाइड्रोजन रिजेंबल्स विद ग्रुप वन है, फोर एंड सिक्स है, सेवन है, ये भी ठीक है, तो डी ऑप्शन होगा ऑल ऑफ दिस। फिफ्थ है कोवेलेंट हाइड्राइड्स आर डैश कलरलेस गैसेस हैविंग लो मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट। कोवेलेंट हाइड्राइड क्या होते हैं भाई? कलरलेस गैसेस भी होते हैं, लो बॉइलिंग पॉइंट भी होते हैं, वोलेटाइल लिक्विड्स भी होते हैं, तो ऑल ऑफ दीज। तो ज़्यादातर इसमें ऑप्शंस आप देख रहे हैं कि ऑल ऑफ दीज जैसे ही लग रहे हैं, ऊपर से अगर हम ऑप्शंस को देखते हुए तो इसी तरह से कुछ पैटर्न बना हुआ है। सिक्स्थ है द प्रॉपर्टीज ऑफ बॉर्डरलाइन हाइड्राइड्स आर इंटरमीडिएट बिटवीन डैश हाइड्राइड एंड डैश हाइड्राइड। तो बॉर्डरलाइन हाइड्राइड चूंकि डी और पी ब्लॉक के बीच में होता है, तो मेटालिक और कोवेलेंट के बीच में इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, तो ए ऑप्शन होगा मेटालिक एंड कोवेलेंट। सेवन्थ एक्सेप्ट डैश एंड डैश ऑल ऑफ द एस ब्लॉक एलिमेंट्स आर हाईली रिएक्टिव। हाईली रिएक्टिव कौन से नहीं होते हैं? उनके स्टार्टिंग एलिमेंट्स जैसे लिथियम और बेरिलियम, ठीक है, जो कि हाईली रिएक्टिव नहीं होते एस ब्लॉक एलिमेंट्स। तो मैग्नीशियम एंड कैल्शियम स्ट्रॉन्शियम, वैसे यहाँ पर है तो बेरिलियम और मैग्नीशियम भी हाईली रिएक्टिव नहीं होते, तभी ये पॉलीमेरिक हाइड्राइड्स बनाते हैं। एट्थ द एग्जिस्टेंस ऑफ एलिमेंट इन मोर देन वन फॉर्म, इसको हम लोग कहते हैं एलोट्रोपी, ठीक है। तो ये फर्स्ट पेज है जिसमें आठ एमसीक्यूज़ हैं, सेकंड पेज स्टार्ट करते हैं उसके बाद, जिसमें एमसीक्यूज़ नाइन्थ से हमारे पास स्टार्ट होगा। तो नाइन्थ एमसीक्यूज़ हमारे पास है द डिग्री ऑफ ऑक्सीडेशन वुड बी ग्रेटर, ऑक्सीडेशन की डिग्री ज़्यादा होगी अगर एसिड की कंसेंट्रेशन डाउन होती है, ठीक है, तो उसने ज़्यादा अच्छी ऑक्सीडेशन होती है, द कंसेंट्रेशन ऑफ एसिड वुड बी लोअर, ठीक है, तो ए ऑप्शन करें। इतना ज़्यादा लो कंसेंट्रेशन एसिड का होगा उतनी ज़्यादा डिग्री ऑफ ऑक्सीडेशन होगी। टेंथ है अर्थ क्रस्ट कंटेन ओनली डैश कार्बन, अर्थ क्रस्ट में कार्बन की जो तादाद है वो कितनी है, ठीक है, ये बतानी है। तो ये एक इन्फॉर्मेशन बेस्ड है, उसको गूगल से ही पूछना पड़ेगा। अर्थ क्रस्ट कंटेन्स ओनली परसेंट, तो परसेंटेज ऑफ कार्बन इन अर्थ क्रस्ट 0.18%, तो यहाँ तो 0.18% का 0.18, या 0.025%, ये भी करेक्ट है, 0.025, ये ए ऑप्शन में भी करेक्ट लग रहा है, ठीक है। तो ये इन्फॉर्मेशन बेस्ड है, इस तरह के एमसीक्यूज वैसे आस्क नहीं किए जाते। 11th, विच ऑफ द फॉलोइंग एग्जिबिट्स द प्रॉपर्टी ऑफ कैटेनेशन,
तो इनमें से कौन सा कैटेनेशन की प्रॉपर्टी रखता है? तो कार्बन रखता है कैटेनेशन की प्रॉपर्टी। 12, कोल गैस एग्जिस्ट मेनली ऑफ डैश इज यूज एज अ फ्यूल। कोल गैस जो है वो ए एंड बी, मीथेन और हाइड्रोजन दोनों का मिक्सचर होता है। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 13, होमोसाइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर डिवाइडेड इनटू डैश कंपाउंड्स। दो होते हैं होमोसाइक्लिक, एक एलिसाइक्लिक होते हैं और एरोमेटिक होते हैं। बी हो जाएगा ए एंड बी। 14, ए सक्सेसिव मेंबर ऑफ सीरीज ऑलवेज डिफर इन कंपोजिशन बाय मॉलिकुलर वेट। 14 एमयू के लिहाज से वो क्या होते हैं, ये अलग होते हैं। 15th है द कार्बन एटम बॉन्डेड टू फंक्शनल ग्रुप व्हेन अटैच्ड टू थ्री कार्बन एटम्स इट इज कॉल्ड डैश कार्बन एटम। अगर एक कार्बन एटम तीन कार्बन एटम से अटैच हो तो ये हमारे पास सी टर्शरी कार्बन एटम कहलाता है। 16th है अल्काइल और अराइल डेरिवेटिव ऑफ अमोनिया। इसको क्या कहा जाता है, अल्काइल और अराइल डेरिवेटिव को अमाइंस हम कहते हैं। 17th है डाइब्रोमोमीथेन और बॉइलिंग विथ डैश प्रोड्यूसेस एसेटाइलीन। अल्कोहलिक केवच के साथ जब उसको बॉईल करेंगे तो एलिमिनेशन रिएक्शन होगी और डिहाइड्रोहेलोजिनेशन के नतीजे में हमारे पास एसिटाइलिन प्रोड्यूस होगा। 18th है बेंजीन वाज फाउंड टू बी वन ऑफ द कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ कोल टार बाय फेराडे। ने उसको बेंजीन को डिस्कवर किया था, आइसोलेट किया था 1825 में। 19th है कैल्शियम फॉर्मेट ऑन ड्राई डिस्टिलेशन गिव्स वेपर ऑफ। तो कैल्शियम फॉर्मेट के ड्राई डिस्टिलेशन से हमें यहाँ पर फॉर्मेल्डिहाइड मिलता है, सी बी ऑप्शन। 20th आईओपीसी नेम एसीटोन, एसीटोन का आईओपीसी नेम होता है प्रोपेनोन या 2-प्रोपेनोन भी कह सकते हैं। 21 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ शुगर कार्बोहाइड्रेट। तो ग्लूकोज, सक्रोज, फ्रक्टोज तीनों के तीनों ही शुगर्स होते हैं बिकॉज तीनों के तीनों स्वीट टेस्ट के होते हैं। 22, ऑल दो शुगर इन विच ओ एच ग्रुप इन लेफ्ट हैंड साइड। चैप्टर 10 से MCQs आया है, इसके ऑप्शन नेक्स्ट पेज पे होंगे। कह रहे हैं कि अगर ओ एच ग्रुप अगर लेफ्ट हैंड साइड पे होगा तो फिर कौन सा कार्बोहाइड्रेट वो हमारे पास होगा या वो कौन सा शुगर हमारे पास होगा। अब जानते हैं लेफ्ट से है तो लेवर रोटेटरी होगा, ठीक है, तो उसको हम एल शुगर कहेंगे, डी ऑप्शन। 23, पोलोसेक्राइड्स क्या होते हैं, ऑल नॉन शुगर, अमरफस, इनसॉल्युबल इन वाटर, ऑल ऑफ दिस, डी ऑप्शन हो गया, ऑल ऑफ दिस। चैप्टर 10 से है ये भी। 24, हाइड्रोफिलिक पार्ट ऑफ डिटर्जेंट इज, ये चैप्टर 11 से है, डिटर्जेंट के टॉपिक से। हाइड्रोफिलिक पार्ट क्या होता है, जो कि वाटर अट्रैक्टिंग पार्ट होगा, तो वो आयनिक पार्ट होता है इसका, तो स्मॉल जो इसका आयनिक ग्रुप होता है सल्फोनेट ग्रुप वो इसका हाइड्रोफिलिक पार्ट होता है। 25, ग्लास इज डैश, ग्लास क्या है, ग्लास एक आर्टिफिशियल सिलिकेट है। 26, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ थर्मोप्लास्टिक। थर्मोप्लास्टिक क्या है, जो बार बार जिसको आप प्लास्टिक में कन्वर्ट कर सकें, ठीक है, जिनको बार बार प्लास्टिक में कन्वर्ट किया जा सके। तो ये नाइट्रोसेलुलोज, सेलुलोज एसिटेट, विनाइल पॉलीमर्स, ठीक है, तो ये सारे के सारे हमारे पास थर्मोप्लास्टिक के एग्जाम्पल हैं, ठीक है, डी ऑप्शन। 27 है एसीटोन इज फाउंड बाय ऑक्सीडेशन ऑफ सेकेंडरी अल्कोहल की, जब हम ऑक्सीडेशन करते हैं तो एसीटोन बनता है। 28 टोलन सीरीजेंट क्या है, ये अमोनिकल सोल्यूशन है सिल्वर नाइट्रेट का, तो अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट होता है, डी ऑप्शन। 29 इज द मेटेलिक कैरेक्टर ऑफ पी ब्लॉक एलिमेंट्स डिपेंड अपॉन इलेक्ट्रॉन पॉपुलेशन ऑफ आटोमोस शेल एंड, उसके अलावा वो आई आयरनाइजेशन पोटेंशियल पर भी डिपेंड कर रहा होता है। 30, गल्वनाइज आयरन इज आयरन इज प्रोटेक्टेड अगेंस्ट रस्टिंग बाय अ थिन लेयर ऑफ, उसमें जिंक की एक लेयर चढ़ाई जाती है गल्वनाइज आयरन के अंदर। 31, अल्कली मेटल्स एक्ट एज, अल्कली मेटल सारे अच्छे रिड्यूसिंग एजेंट्स होते हैं। 32, द एलिमेंट हैज़ ग्रेटेस्ट टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन, कौन सा इलेक्ट्रॉन टेंडेंसी ग्रेटेस्ट रखेगा, जो कि सबसे कम जिसकी आईपी वैल्यू होगी, तो सीजियम सबसे आराम से इलेक्ट्रॉन को लॉस करने की टेंडेंसी रखता है। 33, EDTA इज दिस टाइप ऑफ लिगेंड, EDTA कौन से तरह का लिगेंड है, तो बी ऑप्शन होगा, हेक्साडेंटेट लिगेंड है। 34 है द पॉलीमर नेम्ड बेकलाइट इज द प्रोडक्ट ऑफ फॉर्मेल्डिहाइड एंड फॉर्मेल्डिहाइड के अलावा फिनॉल। तकरीबन लगभग हर कॉलेज के अंदर ही जो है वो ये वाला MCQs है, ये जो MCQs आप देख रहे हैं ना, दिस इज कि ये वाला कि बेकलाइट वाला कि बेकलाइट इज अ प्रोडक्ट ऑफ फॉर्मेल्डिहाइड एंड ये फिनॉल, तो ये जो है वो ये वाला MCQs आपको वो समझ लेके हर एक कॉलेज के पेपर में आपको दिख सकता है। नेक्स्ट है 35, विच वन ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट बिलोंग टू अल्किलीन अर्थ मेटल, इनमें से कौन सा अल्किलीन अर्थ मेटल से बिलोंग नहीं करता, तो डी लेड नहीं करता, बिकॉज लेड एक 4A ग्रुप का एलिमेंट है। 36, नेल्सन सेल इज़ यूज टू प्रिपेयर, नेल्सन सेल से क्या बनाते हैं, क्लोरीन बनाते हैं और सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाते हैं, ए और बी में दोनों में ये ऑप्शन नहीं है, तो आई थिंक सो कि ये ऑप्शन जो है वो आपके पास पेज 4 में यकीनन होगा,
इसका करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, तो यहाँ पर इसका करेक्ट ऑप्शन हमारे पास हो जाएगा क्लोरीन। क्लोरीन को बनाने में इस्तेमाल किया जाता है। 37 है, विच एलिमेंट फॉर्म्स एन आयन विच चार्ज +3। तो एल्यूमिनियम +3 चार्ज के आयन बना सकता है। 38 है, दिस गैस इज़ यूज फॉर राइपनिंग ऑफ फ्रूट। इथीन को इस्तेमाल करते हैं राइपनिंग ऑफ फ्रूट, फलों को पकाने के लिए। एलिमेंट विच इज प्रेजेंट इन ग्रुप 5 एंड 3rd पीरियड, इट्स एटॉमिक नंबर इज। ये MCQs भी आप देख सकते हैं ना, 38 जो MCQs है, 39 सॉरी, ये भी हर कॉलेज के अंदर आप देख सकते हैं कि आया हुआ है। 40 है, हाइड्राइड्स ऑफ ग्रुप 5 आर डैश इन नेचर। सिंपल है, बेसिक इन नेचर बहुत बार ये डिफरेंट कॉलेजेस में आया है कि बेसिक होते हैं 5 ग्रुप के हाइड्राइड। 41 है, पोटेशियम व्हेन कंबाइंस विद ऑक्सीजन उससे कौन सा ऑक्साइड बनता है, तो सुपर ऑक्साइड बनाते हैं पोटेशियम, सी ऑप्शन। 42 है, लिथियम हैज़ मैनी सिमिलैरिटीज टू इट्स डायगोनल नेबर डैश एंड बेरिलियम फैमिली। लिथियम की रिजेंबलेंस जो है वो मैग्नीशियम से होती है डायगोनल रिलेशनशिप की वजह से। 43 है, एल्यूमिनियम डज नॉट रिएक्ट विद नाइट्रिक एसिड। क्यों रिएक्शन नहीं करता? ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ ऑक्साइड लेयर, इसी वजह से वो रस्टिंग भी नहीं करता। सो बच्चों, दीज आर द MCQs ऑफ मेट्रोपोलिस गर्ल्स कॉलेज विच इज़ अ प्राइवेट कॉलेज इन कराची। तो अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया है तो ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और मेरे तमाम लेक्चर्स को इस तरह के देखें ताकि आपके MCQs की अच्छी से अच्छी प्रैक्टिस हो सके, क्योंकि 50% पेपर जो है वो आप जानते हैं MCQs से ही बनने वाला है अकॉर्डिंग टू द न्यू मॉडल पेपर। तो अपना ख्याल रखिएगा, इंशाल्लाह दोबारा मुलाकात होगी एक नए लेक्चर के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।